Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, आज मैं एक देखिए पूनी मंडे मेरा फेवरेट हॉरर स्टोरी है. इसमें मेरे पूनी भैया देवित अग्रवाल जो है मेरे बहुत पॉपुलर पूनी मंडे के यूट्यूबर है, जो साथ साथ कई बार मैंने अपने चैनल बनाना शुरू कर लिया है. तो guys, आज के मेरे चैनल में जो हो रहा है ना, मेरे चैनल में 23 सब्सक्राइबर्स है. तो इसलिए मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को 23 सब्सक्राइबर के लिए मुझे 1K सब्सक्राइब चाहिए. तो गाइस, आप मेरे चैनल को कोई नहीं मेरे को सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो गाइस आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना भी बिल्कुल भी मत भूलना. तो गाइस, आज के मैंने एक ब्लॉग में मैंने एक और शुरुआत की है, क्योंकि मैंने जब मैंने पहले ब्लॉग बनाया था तो मेरा जो ब्लॉग जब मैंने वेबलिटिंग उठाया था तो वेबलिटिंग उठाने के टाइम पर मेरा जो वीडियो था ना, मैंने ज़्यादा वीडियोस अपलोड किया था. तो मैंने पापा ने मुझे मुझे समझा के बोला कि तुम वीडियो जो बना रहे हो वो अगर तुम इतने जल्दी वीडियो बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे तुम्हारे व्यूवर्स. तो व्यूवर्स को तो 100K व्यूवर्स बनाने के लिए तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है ना. तो आज के ब्लॉग में जब मैं ये कहूँ कि मैं ब्लॉग में मैंने ये कहा कि मेरे यूट्यूब चैनल में जो मेरा मन YouTube से जो पैसा नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर मेरे 1,00,000 सब्सक्राइब 1,000 सब्सक्राइब हो जाए तो एक YouTube से एक नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने चैनल को फिर भी सब्सक्राइब करना चाहें. आपका चैनल को भी जब 1,000K सब्सक्राइब हो जाते हैं तो आपके YouTube से एक नोटिफिकेशन आता है. और अगर 1,00,000 सब्सक्राइब पूरी करोगे तो आपको गोल्डन प्ले बटन मिलेगा, और अगर 20 मिलियन करोगे तो डायमंड प्ले बटन मिल सकता है. तो गाइस, आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज सुबह को मैंने जब मेरे ब्लॉग बनाया था तो उस समय 23 सब्सक्राइबर थे. तो आप मेरे चैनल को आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब बढ़ा दो. तो आज के मैं ब्लॉग जब मैंने शुरू किया तो मैंने देखा था कि मैंने शुरू किया था तो मुझे एक घबराहट से होती थी. तो घबराहट इसलिए होती थी कि मेरे चैनल में बार बार कुछ ना कुछ मैं गलतियाँ कर रहा था. तो आज मैंने थोड़ा स्ट्रैटेजी सीखा था, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए ना थोड़ा थोड़ा ब्लॉग्स बनाना पड़ता है, और इतना ज़्यादा ब्लॉग बनाने से ना कंफ्यूज हो जाएंगे सारे व्यूवर्स. तो इसके हिसाब से आपको जानकर बता, क्योंकि जब मैंने ब्लॉग बना जब मैंने यूट्यूब चैनल में जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो यूट्यूब से लेकिन वेरीफिकेशन से आया था कि मैंने कुछ ज़्यादा वीडियोस बनाए थे. तो मैंने मेरा पासपोर्ट से मम्मी ने मेरे पासपोर्ट का एक फ़ोटो क्लिक किया. फिर क्लिक करने के तुरंत बाद मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ और मेरा पासपोर्ट था. उस पासपोर्ट में मेरा adimalijeevan.com जैसा था, क्योंकि मेरे ज़्यादा वीडियोस बनाने के टाइम पर पूरा वीडियोस बढ़ गया था. तो गाइस, आज मैं जब मैंने ब्लॉग जो बनाया है तो ब्लॉग जो है वो बहुत अच्छा तो लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी मेहनत कर रहा हूँ. मेरे पापा बोलते हैं आप वीडियो तो बनाओ, लेकिन वीडियो बनाने से पहले पापा से एडजस्ट करके बोलना चाहिए कि वीडियोस को अपलोड करें या ना करें, क्योंकि अगर वीडियो अच्छा नहीं हुआ तो आपका वीडियो है ना, ये तो ना घर जो आपके वीडियो में व्यूज नहीं आ सकते. तो आज मम्मी ने बताया था कि मैंने YouTube चैनल में मनी एक्टिव कर लिया है. तो आप बहुत अच्छी बात ये है कि यार मेरे YouTube चैनल में ना मनी एक्टिव हुआ है, क्योंकि अगर मैं YouTube चैनल में 1,00,000 सब्सक्राइबर हूँ
मेरा यूट्यूब चैनल एलिजिबल मिल सकता है। तो आज मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपने इस यूट्यूब से कुछ सीख लिया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, ओके बाय।